जीरो का, जीरो का मूल्यांकन करना है तो उसके आगे एक लगा दो, एक यानी परमात्मा। परमात्मा अगर साथ है तो जीरो का मूल्य 10 गुना बढ़ जाया करता है। धर्म अगर साथ है तो उसका मूल है, नहीं तो उस ताकत का कोई मूल्य नहीं, उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं, उस पेशी का कोई मूल्य नहीं, उस अधिकार का कोई मूल्य नहीं, अगर परमात्मा का नाम साथ में ना हो। इसलिए परमात्मा को अपने साथ में रखो, धर्म को अपने साथ में रखो, सत्य को अपने साथ में रखो। वो तुम्हारे लिए संबल होगा, तुम्हारे लिए बल होगा, जीवन की उपलब्धि होगी। साथ में रखो, कमल सूर्य के निकलने से जो खिलता है वो कमल होता है, सूर्य के निकलने से जो खिलता है वो कमल होता है, और संत के मिलने से जो मिलता है वो मोक्ष फल होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने कहा, संत दर्श सब पातक तरी है, संत के दर्शन से जीवन के पाप ताप अभिशाप नष्ट हो जाते हैं। सवाल उठता है कि संत कौन, ये ज्वलंत सवाल दुनिया के लोगों को अपने आप से करना चाहिए। जिसने सत्य को पाया वो संत, सत्य सत्संग दुर्लभ है। 1000 आदमी सत्संग के बारे में सोचते हैं, उसमें से केवल 100 लोग सत्संग के लिए घर से निकल पाते हैं। 1000 लोगों ने सोचा आज मुझे सत्संग में जाना है, लेकिन 900 लोग तो सोच के ही सोचते रह गए, जाना है जाना है जाना है। और बाबा 8 दिन का प्रवचन है मुनि जी का, कोई बात नहीं चले जाएगा, आज नहीं भी जाए तो क्या प्रावधान है, क्या तकलीफ है। सोचा, 1000 लोगों ने सोचा, केवल 100 लोग निकल पाए, और जो 100 लोग निकले उनमें से केवल 10 लोग सत्संग में पहुंचे, 90 लोग रास्ते में माया बाधा बन के खड़ी हो गई, गति अवरोधा स्प्रिट बेकार आ गए, माया ने प्रलोभन दिया, सत्संग के लिए घर से निकले थे, रास्ते में माया ने प्रलोभन दिया, दोस्त ने कहा जाते हो, सत्संग में जा रहे हैं, तो दोस्त ने कहा आओ यार नाश्ता कर लो। तुमने कहा मुनि जी का प्रवचन तो कल भी मिल जाएगा, लेकिन इस कंजूस का नाश्ता कल मिलने वाला है। और आप होटल में माया प्रलोभन बन के खड़ी हो गई, 100 लोग निकलते हैं, 90 लोग रास्ते में भटक जाते हैं, रास्ते में अटक जाते हैं। 1000 लोगों ने सोचा, 100 लोग निकल पाए, 100 लोग निकले, 10 लोग पहुंच पाए। अब जो 10 पहुंच गए तो क्या 10 के 10 सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं? नहीं, उस 10 में से केवल एक व्यक्ति सत्य को उपलब्ध हो पाता है। नो, वहां होते हैं लेकिन वहां नहीं होते, उनका तन तो वहां पर होता है लेकिन मन उनका कहीं और होता है। रे नटखट मन तेरा बेश बड़ा निराला, तन का उजला मन का काला, बाहर से दिखता बोला पाला पर अंदर में काजल से भी काला, तन मंदिर में बेटा फेटा फेर रहा माला पर मन घूम रहा भोजन। तन मंदिर में बेटा फेर रहा माला पर मन घूम रहा भोजन।
शाला, वो 10 लोग जो यहां होते हैं वो सत्य को उपलब्ध, उसमें से एक सत्य को उपलब्ध होता है। इतने सारे लोग, हजारों लोग जो यहां पर आए हैं, तो ये सभी सत्संग को, सत्य को पाने के लिए आए हैं? नहीं, कुछ इसलिए आए हैं, घर में कोई मेहमान आया होगा, उसने कहा होगा अरुण सागर जी के प्रवचन में जाना है, चलो अब जाना है, कमर साहब है, अकेले तो छोड़ नहीं सकते कि ठीक है जाओ, कमर साहब आए होंगे तो ये लिम्बरदार भी आ गया, कुछ इसीलिए आए होंगे, कुछ इसीलिए आए होंगे। ओहो, रोज अखबार में पढ़ रहे हैं, इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़। चलो भैया जाकर तो देखते हैं, कम से कम इतनी भीड़ आ रही है, आखिर बात क्या है, जाकर तो देखते हैं, कुछ देखने के लिए आ गए होंगे, कुछ इसलिए लोग आ गए होंगे, इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं, ओ जूते चप्पलों की भरमार होगी, समझ गए? सरकार ना करे उद्देश्य, सरकार ना करे मिशन। पर मैं आपसे निवेदन करूं, 10 लोग जो यहां पर होते हैं उसमें केवल एक ही सत्य को उपलब्ध हो पाते हैं, इसलिए कहा कि सत्य एक है, अनेक नहीं है। आपसे गुजारिश करूं, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होता है। आप सत्य के रास्ते पर चलेंगे, हो सकता है आपको कोई कठिनाइयां आए, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पर अंततः जीत सत्य की होती है। महाभारत का युद्ध होता है, कभी पांडवों का पल्ला भारी दिखाई देता है, कभी कौरवों का पल्ला भारी दिखाई देता है, कभी कौरव जीतते हुए दिखते हैं, कभी पांडव जीतते हुए दिखते हैं, लेकिन महाभारत का 18वां दिन जब आता है तो दुनिया जानती है कि जीत सत्य की होती है, असत्य हमेशा ही पराजित होता है। सत्य के रास्ते पर चलो, जो मिला उसका उत्सव मनाओ, अहंकार मत करो, क्योंकि मेरे मालिक को घमंड से भरी हुई आंखें पसंद नहीं।